नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके समर्थकों, मंत्रियों, विधायकों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस की सरकार तो गिर गई और भाजपा सत्ता पर काबिज भी हो गई। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई, वो भी एक साथ 22 विधानसभा सीटों पर। साथ ही दो विधानसभा सीटें वहां के विधायकों के निधन के कारण रिक्त हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भविष्य में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने उपचुनाव का बिगुल बजाते हुए सभी 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इन्हीं में से एक धार जिले की बदनावर विधानसभा पर उपचुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी कृष्ण मुरारी मोघे, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और इंदौर के पूर्व महापौर हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। उपचुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति और तैयारी के बारे में उनका कहना है कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। बाहर से आए हुए उम्मीदवार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मोगे जी, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने अपनी सेना उतार दी, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, किस तरह से देखते हैं? कोविड जो सीटें थी, इसमें से 23 सीटें कोविड भाजपा के पास थी जी, और हम वापस उनको रिटर्न करेंगे जी। जो बीच का कार्यकाल रहा, कांग्रेस का शासन रहा जी, और उसमें सारी योजनाएं शिवराज सिंह जी ने जो लगभग 155 के करीब चालू की थी वो समाप्त कर दी, उसका गांव में व्यापक असर है, असंतोष है, और इसलिए वो मुद्दा हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा, पहली बात। और दूसरा, जो 2 लाख रुपए के कर्ज माफी की बात की थी और उनको सर्टिफिकेट दिए थे, वो पैसे जो है वो बैंक में जमा हुए नहीं जी, इससे अभी 31 तारीख को डिफॉल्टर हो गया। अभी ये गेहूं के पैसे में से उनके जो पैसे काटे गए हैं भर के, और वो डिफॉल्टर न हो, उनको खाद बीज वगैरह मिल सके, इसलिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी डेट बढ़ाई। तो ये 2-3 जो मुद्दे हैं ये बहुत बीजेपी के पक्ष में है, और इसलिए हम ये 24 की 24 सीटें वापस रिटर्न करेंगे। 24 में से मैं 22 सीटों की बात करूंगा पहले तो आपसे, मुख्य रूप से जिन सीटों पर कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, वहां पर उन सीटों पर जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पूर्व से मेहनत कर रहे हैं, वो इन्हें कैसे स्वीकार करेंगे, स्वीकार कर लेंगे क्या? स्वीकार करेंगे जी। मैं देखो, परसों बदनावर का प्रभार मिला है और बदनावर में मेरे अपने सारे कार्यकर्ताओं से लगभग बात हुई कल फोन से, बहुत उत्साह के अंदर है, और ये इशू मेरे को नहीं लगता कि होगा, क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि ये 22 लोग आज हमारे साथ आ गए, वो हमारे हैं, कभी किसी समय कांग्रेस में रहे होंगे, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी पूरी मेहनत से इस इलेक्शन के अंदर काम करेगा। बदनावर की भी मैं आपसे बात करूंगा जहाँ के आप प्रभारी हैं। पहले मैं कुछ ऐसी सीटें जहाँ भाजपा के पूर्व मंत्री और कुछ ऐसी सीट जहाँ भाजपा के नेता पुत्रों का राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिख रहा है, उनको उनके बारे में आपसे बात करूंगा। जैसे भाजपा के 4 मंत्री 5 मंत्रियों की सीटों पर अब ये कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, उनके भविष्य का भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा? अब देखिए, ये तो राजनीति है, इसके अंदर किस समय क्या घटनाक्रम डेवलप हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता, और लोग ये मान के चलते कि ये राजनीतिक जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये मैच्योरिटी उन लोगों में है, और उस मैच्योरिटी के साथ वो उसको स्वीकार करेंगे। भाजपा में कुछ नेता कांग्रेस से आए थे, जैसे प्रेमचंद गुड्डू, बालेंदु शुक्ल पूर्व मंत्री, इनका बहुत जल्दी भाजपा से मोह भंग हो गया, वापस घर वापसी हो गई इनकी, क्या वजह है इसकी? नहीं, मोह भंग नहीं हो गया। देखिए, प्रेमचंद जी गुड्डू जिस जो व्यवसायिक मानसिकता से राजनीति करते हैं, उस समय उनको कांग्रेस के अंदर कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने घटिया से अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट के उनके लड़के को टिकट दिया, वो हार गया, और अभी उसका भाग्य कि वो हार गया, और आज उनको ऐसा लगता है कि अभी जो सावेर का चुनाव आया इसमें मेरे को संभावना है कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए, और इसलिए उन्होंने परिवर्तन किया। ये तो जो घुटन वुटन और सारी बातें हैं, ये तो एक बातें हैं, ये कहना पड़ती है। हाँ, 3 बार स्वच्छता में प्रथम स्थान अर्जित किया है इंदौर ने, क्या वहाँ की पब्लिक जागरूक नहीं है?
जागरूक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में अननोन उसमें, क्योंकि नई बीमारी थी, लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा एकदम इसका प्रकोप हो सकता है, किंतु जैसा ये ध्यान में आया हम देखे कि लोगों ने उसको कंट्रोल किया है अपने आप को। आज जो उसके लिए बचाव के लिए आवश्यक चीजें हैं उनका पालन कर रहे हैं और शीघ्र ही ये कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और उसका ही परिणाम है कि थोड़ा सा भी ध्यान में आने के बाद में क्वारंटाइन करते हैं, लोग इलाज करवाते हैं और इसलिए ठीक होने का प्रतिशत ये बहुत अच्छा इंदौर का हुआ है। शीघ्र ही ये कंट्रोल होगी, ऐसा मेरा विश्वास। आपके विश्वास के साथ हमारा भी विश्वास जुड़ा हुआ है और चुनाव के लिए भी आपको और भारतीय जनता पार्टी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।